देश में जहां पर बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं, वहीं आने वाले दिनों में ये समस्या और बढ़ सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में दूध के दाम बढ़ सकते हैं। आपको बता दें, पिछले सीजन के मुकाबले अब सीजन में भूसा का जो रेट है वो काफी बढ़ गया है, और ऐसे में डेयरी संचालकों को अपने पशुओं के लिए चारा भी नहीं मिल पा रहा और डेयरी संचालक काफी परेशान है। उनका कहना है, पिछले साल के मुकाबले साल गेहूं की फसल कम होने की वजह से भूसे के रेट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और ऐसे में उनके पशुओं के लिए चारे की समस्या खड़ी हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर है। रामेश्वर जी, जिस तरह से लगातार महंगे बढ़ रही है, तो भूसे के रेट भी काफी महंगे पड़ रहे हैं, और आप गौशाला कितने परेशानियां तो आ रही है गौशाला में चारा के लिए? देखो जी, हमारी गौशाला में 700 गोवंश है, और एक गोवंश के लिए एक समय में 65 रुपया का चारा हम डालते हैं, डाला जा रहा है इसमें, और चारा जो है पिछले सीजन से इस बार महंगा है। अच्छा, महंगा है। क्या रेट रेट आ रहा, क्या रेट? अब जो है भूसे का रेट 450 से लेके 500 रुपये तक ऊपर नीचे होता रहता है। तो कितना फर्क देखने को मिला पिछले सीजन? 150 कम से कम 150 रुपये का फर्क पड़ रहा है पिछले सीजन से और इस सीजन में। तो उसका कारण है कि किसान भी जो अपनी फसल को वैसे नहीं कटवा के और मशीनों से कटवा रहे, जिसकी वजह से भूसे का उत्पादन कम है, और कम उत्पादन की वजह से ही ये महंगाई है, और महंगाई इतनी भारी है कि गायों को यहाँ पेट भरना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सरकार की तरफ से जो हमें मदद मिल रही है वो पर्याप्त नहीं है, बहुत कम मदद मिल रही है। वो 17.80 के करीब करीब जो है मिलता है, जो कि पूरा नहीं पड़ रहा है। ये सरकारी, ये जो संस्थाएं हैं हमारी, सामाजिक संस्थाएं हैं, वो लोग मदद कर रहे हैं, उनकी मदद की वजह से हम चारा की पूर्ति डाल पा रहे हैं। और दूसरा जो है, कुछ फिलहाल जो सीजन चल रहा है फसल का, कुछ किसान भी हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत भूसे का दान किया है, मदद की है, बाकी फिर भी ये पूरी साल इनका चलाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। बहुत भारी दिक्कत है, चारे की विशेषकर दिक्कत ज़्यादा है। दूसरा, या जगह की भी थोड़ी सी दिक्कत थी, पशु ज़्यादा हैं है? तो कितने पशु बता रहे हैं आप? अभी इसमें 700 के करीब, हाँ, जिसमें सभी है, नंदी है, गाय है, बच्चे हैं, सब मिला के। और इधर दूध का रेट जो है, भैंस का दूध बिक रहा है 70 से 75 रुपये किलो, और गाय का दूध 60 रुपये किलो बिक रहा है, और गाय दूध देने वाली कम है यहाँ पर। अच्छा, अच्छा। कम दूध देने वाली गायें हैं, और खाने वाले ज़्यादा हैं पशु, यानी खर्चा ज़्यादा है, उत्पादन बहुत कम है, बहुत कम है, कम ही नहीं बहुत कम है। तो सरकार कहना चाहोगे जो आपकी? सरकार से हमारी यही है कि जो ये जो हमें मदद दे रही है सरकार चारे की, एक तो ये थोड़ी सी इसमें कीमत बढ़ी है, तो उसके महंगाई की वजह से। क्या नाम आपका? राजू। राजू, क्या काम करते हो? मैं डेयरी है पशुओं की, डेयरी का दूध काम करता हूँ। दूध का काम करते हो, बताया जा रहा है कि पशुओं का जो चारा है उसका कहीं ना कहीं जो कमी है वो आप लोग महसूस कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, एक तो ये महंगाई इतनी होगी, पहले 300 रुपये मन आता था वो भूसा आता था, अब आ रहा 600-550 आ रहा है जी, और ये हर जगह इतनी महंगाई हो रही है। 5 रुपये अगर हम दूध बढ़ा दें तो उसके पीछे कहते हैं दूध महंगा कर दीजिए, कर दिया, अब इंसान करे तो करे क्या। तो पहले क्या रेट आता था? पहले 300 रुपये मन आता था, और फिलहाल अब तो 550 या 600 आ रहा जी। तो क्या लगता है कि जो भूसे का जो कमी है वो महसूस कर रहे हो आप लोग? हाँ जी बिल्कुल, नहीं, सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए, तो महंगाई हो रही, 5 रुपये का दूध एक्स्ट्रा बढ़ा दें तो कस्टमर कहता है 5 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, हम नहीं ले रहे, इंसान करे क्या, हार के कुछ और काम देखना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित, क्या करते हो? डेयरी का काम। समय पे उसकी कमी है ही, पहले 3-3-4-4 दिन तांटे पे थाड़ा रहना पड़ता है, जब जाते भूसा मिलता है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा है, पहले मिल जाता वो 9 रुपये किलो 8 रुपये किलो मिल जाता था, अब वो 16 और 17 मिल रहा है इस टाइम पे, अब किसी दिन बारिश आ जाती है वो 18 भी मिलता है, हवा नहीं पड़ता है, अब इन वायु तो कहाँ तक छोड़े, ये राष्ट्रपति कर दिए घोषित सरकार ने, इनके लिए भूसा नहीं है, और रोड पे छोड़े तो जनता इनको मारती है डंडों से, कहाँ तक छोड़ें,
इसमें लद रहे हैं तो थोड़ा जो है अपने घर पे थवा रहे हैं, तो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, कहाँ तक तरह 30 बोरी पहले मिल जाती 1300 रुपये थी, अब वो 2500 रुपये थी, कहाँ तक थवा इन तो आटा हर वो। क्या लगता है उसकी कमी के चलते जो दूध का जो रेट है उसमें बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है? बढ़ोतरी होनी चाहिए इसमें। कमी क्या मानते हो जो बुजुर्ग आप लोगों को समय पर नहीं मिल पा रहा है? ये सब सरकार की कमी है और तिश्ती कमी है। ये राष्ट्रपति मान दिया इनके लिए, जब न्यार पानी नहीं है तो क्या फायदा राष्ट्रपति करती। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र जी किस चीज का काम है? ये गाय भैंसों का काम है। हाँ गाय का। हाँ बस। अच्छा, बात की जाए वो जानवरों के चारों की। हाँ जी। क्या चारा मिल पा रहा है आप लोगों को समय पर? चारा की तो भैया ऐसा कभी दो दिन में चक्कर लगेगा, तीन दिन में लगेगा, बड़ी मुश्किल हो रही है टाइम तो भूस की, और वो भी रेट बहुत महंगो, बहुत परेशानी हो रही है। ऐसे मन कर रहा हूँ गौ माता ने छोड़ ही दे। हाँ छोड़ दे। पहले भैया 380 का रेट तो जाको शुरू कोई रहो है, अब के आड़ है तवाड़ है तला गया, अब तो मन है ही ना हमारा, बेचारी गौ माता ने जितनी सेवा करनी कर ली, अब झिक गए हम। रेट अब भैया 550 को तो कांटे को रेट है, 10% की आड़ है, और गिराई भी है उनकी 15 रुपया मन की। हाँ वे और वहाँ में भी आधा रोड पर उड़ जा, खल भी महंगी है 2300 रुपये कट्टा, 50 किलो को 49 किलो को। भैया आज के कहते बढ़त की कह में तो वे तो नहीं कह, भैया बाल करने कहा थे हम तो बिगड़ दूध के रह लेंगे, भैया हमारा तो यू पर जब छोड़ेंगे कोई और धंधा देखेंगे। महंगाई भैया कमी का अवैस पब्लिक को नाज मिल रहा, फिर ही को इंगा को बजट में जोड़ दियो, कमी का सबरी कमी कमी है अब तो।